शुरुआती दौर में कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रही कांग्रेस अब वैक्सीनेशन के समर्थन में है। पार्टी नेता खुद भी वैक्सीन भी लगवा रहे हैं और दूसरों से भी टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। आज पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने कहा महा वैक्सीनेशन के समर्थन में जनता से अपील की तो सीएम शिवराज ने भी शुक्रिया कहने में देर नहीं की। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया है। दिल्ली से ग्वालियर आ रही सिंधिया की कार निरावली गांव से हजीरा चौराहा तक लगभग 7 किलोमीटर तक बिना सुरक्षा के चलते रही। इस लापरवाही की वजह से ग्वालियर और मुरैना थानों के 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। दरअसल पुलिसकर्मियों की गाड़ी सिंधिया की कार को छोड़कर दूसरी कार की पायलटिंग करती रही। रात के वक्त मलघड़ा तिराहा के पास हजीरा थाना प्रभारी आलोक परिहार ने सिंधिया की गाड़ी को अकेले गुजरते देखा तो वे खुद सुरक्षा दस्ते के साथ सिंधिया को लेकर जयविलास पैलेस पहुंचे। ग्वालियर में भी आज वैक्सीनेशन महाअभियान उत्साह के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हजीरा सिविल अस्पताल पहुंचकर टीकाकरण का शुभारंभ किया। उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए आई एक महिला का तिलक लगाकर स्वागत किया। इस दौरान सिंधिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ की वैक्सीनेशन अभियान के समर्थन में की गई अपील पर कहा कमलनाथ जी को साधुवाद दे राय दुरुस्ताए। साथ ही ग्वालियर का नाम बदलने की कांग्रेसी मांग पर कहा कि नामदारों की पार्टी कांग्रेस को पहले अपना नाम बदलना चाहिए। रीवा के सेमरिया से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी के निजी कार्यक्रम की सामने आई है। वे समर्थक के घर नाश्ता करते दिखाई दे रहे हैं जहां करीब 22 से 25 लोग कुर्सियों में बैठे हैं। ना तो फिजिकल डिस्टेंस और ना ही किसी ने मास्क लगाया था। प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, इसके लिए हर जिले में शुभारंभ कार्यक्रम हुए। ऐसे कई जिलों में फिजिकल डिस्टेंस तो दूर, जनप्रतिनिधि बाकायदा एक दूसरे से हाथ तक मिलाते दिखे। मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान पंडाल भरा था, कई लोगों को तो बैठने की जगह नहीं मिली तो कई लोग भीड़ लगाकर खड़े हो गए। पंडाल बामुश्किल 50 लोगों के बैठने के लिए बनाया गया था जबकि मौके पर करीब 150 लोग मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है उसे भी तैयार करने में जुटी हुई है। ये मुद्दा है अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का। बता दें पिछले कुछ दिनों में राम मंदिर का भूमि घोटाला चर्चाओं में है। इस मामले में जांच भी हो रही है। विपक्ष के नेता लगातार सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट पर निशाना साध रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने इनके लिए अभी से जोर लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के केंद्रीय नेता लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। मैराथन बैठकों का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद ही बीजेपी में ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से देश भर में मोदी सरकार द्वारा 18 साल के ऊपर की आयु के सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने मुहिम शुरू कर दी है। मोदी सरकार ने फैसला कोरोना टीकाकरण अभियान को तेज करने को लेकर लिया है। भारत सरकार वैक्सीनेशन अभियान के लिए राज्य सरकारों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। साथ ही भारत में तैयार की जा रही वैक्सीन में से 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल सीधे ले पाएंगे। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से भारत सरकार 75% वैक्सीन खरीदेगी जबकि 25% वैक्सीन कंपनियां निजी अस्पतालों को बेच सकेंगी।